नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक नए विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। ये है रसोई में कुछ ऐसी वस्तुएं आपके पास पड़ी हुई हैं जिनसे लाल किताब में उपाय किए जाते हैं। आज मैं 5 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जो रसोई में रखी हुई वस्तुओं से आपसे आसानी से हो जाएंगे अलग अलग हेतु के लिए। अब होता यह है कि हर व्यक्ति का बजट होता है लिमिटेड। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो उपाय करने में उतने पैसे नहीं लगा सकते, तो आप अपने घर की इन वस्तुओं से भी उपाय कर सकते हैं। वो आज मैं आपसे सब इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जो किचन है वो किचन लाल किताब में वास्तु के हिसाब से किस खाना नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अगर देखा जाए तो किचन की सबसे अच्छी डायरेक्शन जो मानी जाती है वो मानी जाती है साउथ ईस्ट, जिसको आग्नेय कोण भी कहते हैं, जिसको रूल करते हैं, जिसके स्वामी हैं शुक्र। और शुक्र आपको पता ही है खाना नंबर 12 में उच्च के होते हैं। और लाल किताब की कुंडली के हिसाब से भी अगर आप देखें, वास्तु कुंडली, मकान कुंडली के हिसाब से भी, तो खाना नंबर 12 में डायरेक्शन आती है साउथ ईस्ट की। और साउथ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं उससे शुक्र का निर्माण होता है, तो शुक्र अगर आपके अच्छे हैं, अगर आप साउथ ईस्ट में किचन रखते हैं तो आपको शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर खाना बनाते हुए गृहिणी का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ हो तो वो और ज़्यादा बेटर माना जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं बात करूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ पर तो मेरा फोकस ये है कि 5 चीज़ों पर आपसे बात करूँ जो किचन की आप यूज़ करके उपाय कर सकते हैं। लेकिन एक भूमिका और मैं आपको इसका समझा दूँ खाना नंबर 12 का। खाना नंबर 12 लाल किताब में बृहस्पति और राहु दोनों रूल करते हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका राहु खराब है या राहु अच्छी पोजीशन में नहीं है तो खाना नंबर 12 से संबंधित आपको बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। चाहे वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही हो, चाहे अचानक लॉसेस हो रहे हो, या हस्बैंड और वाइफ में कोई कलह इस तरह का बन रहा है जो बेड के सुखों को भी अफेक्ट कर रहा है। और जैसा मैंने अभी कहा किचन, क्योंकि किचन माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है, तो किचन में अगर आपने वास्तु ठीक नहीं कर रखा या किचन में कोई ऐसी गलतियां कर रखी हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, 2 चीज़ें आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आप अगर मान लीजिए आपको राहु संबंधित समस्याएं आ रही हैं, अचानक लॉसेज आ रहे हैं, विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, विचार चलने की वजह से आप कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जहां शॉर्टकट मारते हैं और फिर आपको नुकसान झेलना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप साउथ ईस्ट में लाल रंग करा सकते हैं। अब लाल रंग कराने का क्या लॉजिक है, जो लाल रंग होता है ये मंगल से संबंधित है। जब आप किचन में लाल रंग करा लेंगे तो मंगल को आपने स्थापित करा यहाँ पर खाना नंबर 12 में, जो राहु की शरारतों को कंट्रोल कर सकता है। तो पहली चीज, क्योंकि मंगल है महावत और राहु है हाथी, तो पहला लॉजिक तो ये हो गया। अब कई बार क्या होता है, रेड कलर कराना भी संभव नहीं है, तो फिर एक ऐसा भी किया जा सकता है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक लाल रंग का बल्ब जला दें जो कि कंटिन्यूअसली जलता रहे, तो उससे भी मंगल का आपको एडवांटेज मिल जाता है। ये पहली चीज कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो मैं 5 वस्तुएं आपसे बात कर रहा हूं उसमें सबसे पहली वस्तु है गुड़। तो आप रसोई में कोशिश करें बिना मसाले का जो गुड़ है वो जरूर रखें। अब उससे क्या होगा, गुड़ जो है वो सूर्य की वस्तु है और मंगल की वस्तु है। मंगल इसलिए क्योंकि उसमें मीठा है। अब गुड़ आपने रख लिया अपनी रसोई में तो इन अ वे आपने मंगल को भी स्थापित किया हुआ है, तो कहीं पर भी अगर वास्तु संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। बाकी ऑब्वियसली बात है कि ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए स्पेसिफिक परामर्श लिया जाता है और ज्योतिष उस केस के अंदर आपको ज्योतिषाचार्य वो रेमेडी देंगे जो आपके केस से सूट करती है। फिलहाल पहली बात तो यह है कि गुड़, तो रसोई का पहला जो वस्तु है वो गुड़ रखी जा सकती है। अच्छा, गुड़ का आप उपयोग कैसे करेंगे, समझ लीजिए आप कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य करने जा रहे हैं तो उस इम्पॉर्टेंट कार्य में आप सक्सेस लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं या नया कोई बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, तो जिस टाइम पे आप घर से निकलेंगे थोड़ा सा गुड़ मुंह में डालिए और उसके साथ पानी पी लीजिए और फिर घर से बाहर निकलिए भगवान का स्मरण करते हुए। गुड़ क्या है, गुड़ मैंने जैसा पहले बताया सूर्य और मंगल की ऊर्जा है, और पानी आपने जो पिया वो है चंद्रमा,
तो सूर्य, मंगल और चंद्रमा तीन ग्रहों का अच्छा इम्पैक्ट आ गया। और जब ये तीन ग्रहों का अच्छा इम्पैक्ट आएगा तो पापी ग्रह अगर कुछ नुकसान भी करना चाहेंगे तो उसमें कमी आ जाएगी। तो पहली वस्तु तो गुड़ है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ये पहली वस्तु हो गई। अब दूसरी वस्तु की बात की जाए तो दूसरी वस्तु है चावल। चावल तो सभी लोगों की नॉर्मली हर घर में, हर किचन में मिल ही जाते हैं चावल। अब चावल से भी प्रयोग किए जा सकते हैं। सपोज आपकी मानसिक शांति बहुत ज़्यादा भंग हो चुकी है, चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, चंद्रमा पे कोई एफ्लिक्शन है और आपको समझ नहीं आ रहा। यहाँ मैं कोई भी स्पेसिफिक हाउस की बात नहीं कर रहा, कोई कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा। रीज़न क्या है कि कॉम्बिनेशन की बात करो तो हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो मैं आम भाषा में आपसे बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी मानसिक शांति नहीं है, लिक्विड कैश की प्रॉब्लम आ रही है, हमेशा जेब में पैसे आपको लगता है कमी है, पैसे कभी भी कमी पड़ती है और उसके लिए फिर कर्ज ले लेते हैं, कर्ज लेने के बाद उसको चुकाना मुश्किल हो जाता है, तो अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो और या फिर एक और समस्या, अगर आपकी माता की हेल्थ ठीक नहीं रह रही तो इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब है, खासकर तब जब उनको घुटनों से संबंधित भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो ऐसे केसेस के अंदर 400 ग्राम चावल लेकर उनको कच्चे दूध के छींटे मारकर उन्हें जल प्रवाह कर सकते हैं। 4 दिन लगातार करना होगा, शुरू कर सकते हैं सोमवार से। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उपाय करते हुए ध्यान रखिएगा चतुर्थी, नवमी और चौदस ना हो उस दिन, आप उस दिन उपाय शुरू कर सकते हैं। तो ये दूसरी वस्तु पे मैंने आपसे बात करी। अब तीसरी वस्तु जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको लोग इग्नोर करते हैं, वो है नमक। और नमक में दोस्तों जब भी उपाय किए जाते हैं सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपसे पहले भी बात करी है सेंधा नमक के क्या लाभ हैं, सेंधा नमक आयोडीन नमक से कैसे बेटर है। बहुत सारी सिचुएशंस में सेंधा नमक में जो मिनरल्स हैं वो आयोडीन नमक में नहीं आपको प्रोवाइड कर पाता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे मिल जाएगा कि सेंधा नमक के क्या लाभ हैं, और सेंधा नमक की बहुत सारी रेमेडीज़ भी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, अगर आप वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ तीन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तीन चीज़ों के लिए आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो अगर आपके व्यापार में बहुत बाधाएं आ रही हैं, दुकान पे कस्टमर आ ही नहीं रहे और आपको कोई ये भी कह देता है कि तुम्हारे को नज़र लगी है या कुछ नुकसान हो रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए करना क्या होगा, एक कांच का बाउल ले लीजिए, उसमें सेंधा नमक डली वाला मिल जाए वो भी ठीक है, नहीं तो डली वाला अगर पाउडर बना हुआ है वो भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डली वाला मिल जाए ज़्यादा अच्छा है इस उपाय के लिए। तो वो डली जो है आप जहाँ पर आप बैठते हैं, जिस जगह पर आपका कैश काउंटर है उसके साथ ही रख दीजिए, और इस नमक को आप हर 3-4-5 दिन बाद बदलते रहें। कम से कम हफ्ते में एक बार तो आपको बदलना ही है, और कुछ टाइम तक करेंगे तो आप देखेंगे कि व्यापार में जो नज़र लगने की वजह से नुकसान हो रहे थे उन नुकसान में कमी आ गई। ये पहला उपाय कर सकते हैं सेंधा नमक का। अब दूसरा उपाय क्या किया जा सकता है, दूसरा उपाय है बच्चों को नज़र बहुत लगती है, और आपने देखा होगा कि जनरली बच्चा जब भी बहुत खेल रहा होता है, बहुत खुश होता है तो नज़र लग ही जाती है, कई बार तो माँ बाप की नज़र भी लग जाती है क्योंकि वो प्यार से बहुत देखते हैं। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बच्चा उसके बाद बीमार पड़ जाता है या ढीला पड़ गया या आपको ये शिकायत कर रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा एट्सेट्रा। तो ऐसे केसेस के अंदर आप एक प्रैक्टिस बना लीजिए, सेंधा नमक ले लीजिए, अपनी मुट्ठी में ले लीजिए, इस तरह से लेकर बच्चे के एंटी क्लॉकवाइज 7 times घुमा लीजिए। 7 times घुमाने के बाद आप किसी भी वॉश बेसन में ये सेंधा नमक डाल दीजिए, ये सोचते हुए कि नज़र जहाँ से आई है वहीं से वापस चला जाए, तो ये और पानी चला दीजिए। ये जो क्रिया है कम से कम 7-10 दिन लगातार करें तो आप देखेंगे जो नज़र लगी हुई थी उसमें कमी आ जाएगी। ये दूसरा उपाय किया जा सकता है। अब तीसरा उपाय, बहुत बार लोग ये शिकायत करते हैं कि कोई भी कार्य करने जाते हैं कोई ना कोई टोक लगा देता है, या मैंने कोई कार्य करना था इससे पहले कि करा जाता किसी ने टोक लगा दी कि ये तो कार्य हो ही नहीं सकता, और फिर वो कार्य हुआ ही नहीं। तो ऐसी टोक अगर आपको बहुत बार लगती है तो आप ये कर सकते हैं कि अपने एक हथेली में इस तरह से सेंधा नमक ले लीजिए। सेंधा नमक लेते हुए आप भगवान का ध्यान करते हुए कि जो नज़र मुझको लगी है या जहाँ से नज़र ये आई है ये वहीं पर वापस चली जाए, ये नज़र मेरा कुछ ना बिगाड़ सके, और ये मैं जो कार्य करना चाहता हूँ ये कार्य पूरा हो जाए, ये सोचते हुए, मन में सोचते हुए आप ये जो सेंधा नमक है ये आप वॉश बेसन में फ्लश कर दें और पानी चला दें,
तो आप देखेंगे ये जो टोक से जो बार बार आपका कार्य रुक रहा था, कोई भी अच्छा कार्य आप करने जा रहे थे वो रुक रहा था, तो वो आपका धीरे धीरे उस बनने लगेगा काम। तो ये मैंने आपसे तीन वस्तुओं पे बात करी। चौथा, चौथा है आटा। अब आटा तो हर व्यक्ति कहेगा कि आटा तो अवेलेबल होता ही है। अब इसके लिए एक चीज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको ये लगता है कि आपके फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बार बार आप कोई भी चीज कर रहे हैं वहां पर आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं, प्लस घर में बरकत नहीं आ पा रही, तो ऐसे केसेस के अंदर आप एक उपाय करके देखिए। ये उपाय बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है, बहुत आसान उपाय भी है। इसमें करना ये है कि पहली बात तो ये जो आटा आप पिसवाएं ये शनिवार वाले दिन पिसवाएं, पहली चीज। दूसरी बात, जितना आप आटा पिसवाते हैं उसका 10% उसमें काले चने मिक्स करवा लीजिए। सपोज आपने 10 किलो आटा पिसवाया तो उसमें 1 किलो काले चने, उसमें मिक्स काले चने का आटा मिक्स करवा लीजिए। और तीसरी चीज क्या करनी है, इसमें 11 तुलसी के पत्ते पीस के आप मिक्स कर दीजिए, चाहे वो वहां पर करवा लीजिए या वो जब घर पे आ जाए आटा अच्छे से पीस के उसके अंदर मिक्स कर दीजिए, और फिर इस आटे की रोटी बनाएं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो ये फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे थे या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, बहुत से व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि पैसा तो कमा लिया लेकिन पैसा रुक नहीं रहा क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी आ रही हैं, कोई ना कोई हेल्थ इशू पे पैसा निकल जाता है और फिर बिल इतने बढ़ गए, मेडिसिन के बिल इतने बढ़ गए, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। और एक बात दोस्तों और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, किचन में बहुत लोगों को आदत होती है कि मेडिसिन रखते हैं। मैं किसी वीडियो में आपके साथ बात करूंगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, अगर आप लोगों का रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किचन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप भूल करते हैं जिससे आपके फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं। जैसे एक मेडिसिन का किचन में रखना, बहुत सारे लोगों को आदत होती है किचन में रख दो तो वहीं से उठाएंगे, वहीं फ्रिज रखा हुआ है वहां से उठा लेंगे, तो उसमें फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो मेडिसिन किचन में ना रखें, एक तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैं किसी वीडियो में आपके साथ डिटेल में बात करूंगा क्योंकि आज फोकस हमारा जो है वो 5 वस्तुओं पर है, तो मैं उन 5 वस्तुओं को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये जो 4 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी, ये 4 वस्तुएं जो है बहुत आसानी से आपके पास उपलब्ध हैं और इसको आप इस प्रयोग करके उपाय कर सकते हैं। अब 5वीं वस्तु पर बात कर रहा हूं। 5वीं वस्तु है पीली हल्दी। दोस्तों वैसे मेरी प्रेफरेंस अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि केसर भी सभी रसोई में आजकल मिल ही जाता है, और नहीं मिलता तो आप अच्छी क्वालिटी का केसर जरूर रखें। पीली, और अगर केसर किसी केस में बहुत से व्यक्ति लिखते हैं कि भाई केसर बहुत महंगा है सर, ये है वो है, अब देखिए मैं ये थोड़े ना कह रहा हूं कि आप 1 किलो केसर लगा लीजिए, आपको तो एक आधा स्ट्रीक ही तो लगाना है, एक आधा स्ट्रीक भी नहीं लगा सकते आप तो फिर, और बाकी सब चीजें तो आप ले ही रहे हैं, तो इतना भी हमेशा आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो केसर अच्छी क्वालिटी का रख लीजिए, जैसे भी आप जहां से आपको मिलता है तो वहां से आप लेकर अच्छी क्वालिटी का रख लीजिए। मान लीजिए आप कहते हैं मैं वो भी नहीं रख पा रहा, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पीली हल्दी तो रख ही सकते हैं, पीली हल्दी होती भी है रसोई में। तो इस पीली हल्दी का प्रयोग करके आप अपने माथे पे, नाभि पे, जुबान पे एक हल्का सा टीका लगा लीजिए, और अगर कहीं किसी केस के अंदर जुबान पे लगाने में आपको दिक्कत है तो कम से कम माथे पे यहाँ इस तरफ बीच में तो जरूर लगाइए। ये जब टीका आप लगाएंगे तो खाना नंबर 2 को भी एक्टिवेट करते हैं। मैंने कई वीडियोस में बात करी है कि केसर का तिलक या हल्दी का तिलक आप लगाते हैं तो किस तरह से आप फायदा करते हैं, और कान के पीछे बैक साइड पे जरूर तिलक लगाइए क्योंकि ये जो कान होते हैं ये हमारे केतु से संबंधित होते हैं, और हल्दी जो है वो बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति और केतु का अगर साथ हो जाए, अगर बृहस्पति केतु को अच्छा कर देगा तो बाकी प्लैनेट्स भी धीरे धीरे अच्छे होने लग जाएंगे। तो हल्दी का आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। बाकी खाने में तो आप प्रयोग जरूर करें उसका, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत होते हैं, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 5 वस्तुओं पर मैंने आपसे बात करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर आप अच्छा इस वीडियो को रिस्पांस देंगे तो मैं कुछ वस्तुएं आपसे और बात करूंगा जिनसे कोई कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिम्टम के बेस पे आप उन वस्तुओं का प्रयोग करके उपाय कर सकते हैं। तो सपोर्ट करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी तरह की कंसल्टेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।